आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल अचार। आज के इस अचार में मैंने सारे वो टिप्स बताए हैं जिससे एकदम ट्रेडिशनल अचार कैसे बनाया जाए जो सालों साल तक ख़राब नहीं हो। तो आप इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के टेस्टी अचार की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मिक्स वेज पिकल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ पहले से काट के रखी है। तो यहाँ पे मैंने अदरक की मूली, गोभी के मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये देखिए इससे बड़े टुकड़े न रखे। गाजर लिए है मैंने, छिला हुआ लहसुन और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को चाहिए तो आप ऐसे रखें या फिर बीच से ऐसे चीरा लगा दें। आप चाहिए तो इसे दो टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे आधा आधा ऐसे चीरा लगा देती हूँ ताकि मसाला जो है वो अंदर तक जाए। तो यहाँ पर इसे मैं ऐसे काट लेती हूँ। अचार बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि सब्जी को ऐसे कट करने से पहले पानी से अच्छे से धो लें और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ के उसके बाद ही बनाएं। तो यहाँ पे इन सारी सब्जियों को इसमें डाल देती हूँ मैं। आप इसमें चाहिए तो हरी बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो यहाँ पर ये अदरक लहसुन गोभी गाजर मैंने डाल दिया है और ये मूली डाल दें। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो एक छोटा चम्मच नमक डाल दें और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हमें क्या करना है ना कि इसे कम से कम आधे घंटा के लिए रख देना है। उससे क्या होता है कि सब्जी उससे मॉइस्चर रिलीज़ होगा और सब्जी में जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसे ऐसे मिक्स करके और उसके बाद हम इसे ढक देंगे और आधे घंटा के लिए छोड़ देंगे। आप चाहिए तो इसे दो घंटे के लिए भी रख सकते हैं। आधे घंटा यहाँ पर हो चुका है, तब हम क्या करेंगे कि सब्जियों को एक बार ऐसे मिक्स करेंगे और इसमें जो ये पानी रिलीज हुआ है ना इसे निकाल देंगे। तो सब्जियों को इनसे अलग कर दे, सब्जियों को वापस नहीं धोना है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे इन सब्जियों को मैं ऐसे स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। अब हम सब्जी को स्टीम करेंगे, तो स्टीम करना ऑप्शनल है। अगर आपके घर में धूप आती है तो सब्जियों को ऐसे नमक के पानी से निकाल के और सूती कपड़े पर ऐसे स्प्रेड करके और धूप में रख दे कम से कम 5 से 6 घंटे, जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए। लेकिन अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करें। तो यहाँ पे ये पानी हटा दिया मैंने, सब्जियों को मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक पतीले या किसी बर्तन में पानी गर्म करेंगे और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा ना हम ये स्टीमर इसके ऊपर रख देंगे। स्टीमर आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये स्ट्रेनर यूज़ किया है। और 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने दें। तो 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे ये जो हरी मिर्च वगैरह है वो आप देखेंगे कि पहले से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। तो इससे क्या होता है, सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और अचार जल्दी बन जाता है। मतलब अचार को गलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे सब्जियों को मैंने स्टीम कर लिया है, अब मैं इसे ऐसे हटा देती हूँ, ऐसे झटक दे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इन सब्जियों को सूती कपड़े पर डालना है। तो कॉटन के कपड़े या टॉवल पर आप इन सब्जियों को ऐसे डाल दें, ये देखिए। और इसके बाद हम इन सब्जियों को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और 5 से 6 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। अगर धूप आती है तो आप इन सब्जियों को 2 घंटे के लिए धूप में रख दें। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि धूप नहीं आती है, उस ऑप्शन में आप इसे पंखे के नीचे रखें। तो यहाँ पे 5 घंटे हो चुके हैं और ये हमारी सब्जियाँ जो है वो अच्छे से सूख गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो सब्जियों में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। तब हम चलते हैं इसका मसाला बनाने के प्रोसेस में। जब हम इसका मसाला बना लेंगे उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस हमारा अचार जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे मैं हटा देती हूँ। तब हम चलते हैं मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए एक पैन में हम 2 बड़े चम्मच सरसों डाल देंगे। मोटी वाली सरसों यूज़ करें, बारीक वाली राई का इस्तेमाल नहीं करें। इसे हल्का सा सेक लें। इसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। सरसों और जीरा को पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लें, उसके बाद बाकी के मसाले डाल दें। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 बड़ी चम्मच मेथी के दाने, बहुत ज़्यादा मेथी ना डालें। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1/2 बड़ी चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे या फिर ऐसे काली मिर्च डाल दें। और इसके साथ हम सौंफ डाल देंगे। तो सौंफ जो है ना वो हमें 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल करना है क्योंकि सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 2 बड़े चम्मच सौंफ डाला मैंने। और इसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिला के और 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे ना तभी हम गैस को बंद कर देंगे। ध्यान रहे कि मसालों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर इसे मैंने हल्का सा सेक लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और मसालों को थोड़ा ठंडा कर ले, उसके बाद इसका पाउडर बना लें। तो यहाँ पे इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दें।
जैसे ही मसाले थोड़े ठंडे हो जाएंगे हम इन्हें ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। तो यहाँ इसे ब्लेंडिंग जार में निकाल लेती हूँ मैं, और इसके बाद हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर बनाए या फिर थोड़ा सा दरदरा। वैसे तो गांव में जो मसाला बनता है ना, वो मसाला जो कूटते हैं वो थोड़ा दरदरा रहता है, तो आपको मसालों का जैसा टेक्सचर पसंद है आप उसे उस हिसाब से ब्लेंड करें। तो यहाँ पे मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ और ये हमारा अचार का मसाला जो है वो बन के तैयार है। मैंने इसका फाइन पाउडर बनाया है, आप चाहिए तो थोड़ा दरदरा इसे पीस सकते हैं। तो मसाला रेडी है, सब्जियों को हमने सुखा लिया है, अब हम तेल गरम करेंगे। तो अचार के लिए ना सरसों तेल का यूज़ करें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आपको सरसों तेल नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हैं। तो यहाँ पर पैन को गर्म किया मैंने और इसमें हम तेल गर्म कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 1 कप सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को गर्म करके ठंडा कर लें। सरसों के तेल का जो फ्लेवर होता है मतलब बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो आप क्या करें ना, पहले इसे अच्छे से गर्म कर लें, जब इससे धुआं निकलने लगे ना तब आप गैस को ऑफ करके और इसे ठंडा करके उसके बाद अचार में डालें, उससे इसका जो स्ट्रांग फ्लेवर है ना वो निकल जाएगा। तो जैसे ही तेल से धुआं निकलने लगे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसके बाद इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दें। पूरा गर्म तेल नहीं डालें, थोड़ा ठंडा करके डालें। तो यहाँ पर गैस को बंद किया मैंने और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम क्या करते हैं कि सब्जियों में मसालों को मिला देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सूखी सब्जियाँ हैं वो आप एक बर्तन में डाल दें। अगर आपको अचार को महीनों या फिर साल तक ऐसे स्टोर करना है तो सब्जियों को अच्छे से सूखने दें, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें मॉइस्चर रह गया तो अचार ख़राब हो जाएगा। तब हम इसमें डाल देंगे 3/4 बड़े चम्मच हल्दी का पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप चाहिए तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें आमचूर का पाउडर डाल देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आमचूर का पाउडर डाला मैंने। इसके साथ 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल दें, ये इसमें ऑप्शनल है। इसके बाद ये जो मसाला हमने भून के बनाया ना वो मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच कम से कम ये मसाले डाल दें। अगर आपको ज़्यादा मसालेदार पसंद है तो आप पूरा मसाला इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नमक डाल देंगे हम, तो स्वाद के अनुसार जितना नमक होता है ना उसे थोड़ा सा ज़्यादा नमक इस्तेमाल करें। और इसके साथ ही ये जो तेल हमने गर्म किया था ये डाल देंगे। आप चाहिए तो इसमें कम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करने से अचार को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है जल्दी। और यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे विनेगर। तो यहाँ पे विनेगर जो है वो मार्केट में 2 तरीके का मिलता है, इसे हिंदी में सिरका बोलते हैं। एक वाइट मिलता है, एक ब्लैक मिलता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हैं। सोया सॉस वगैरह नहीं डालें, विनेगर डालें। तो यहाँ पे विनेगर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस अचार को इसी बर्तन में 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो मसालों को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। उसके बाद हम इसे वापस मिक्स करेंगे और इसके बाद आप इसे जार में भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ढक देती हूँ और 4 से 5 घंटे या फिर ओवरनाइट भी आप इसे ऐसे रख सकते हैं। तो मैंने इसे छोड़ दिया है। 5 घंटे बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर मसाला जो है वो अच्छे से मिल गया है, ये देखिए, और अचार का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तब हम इसे जार में भर देंगे। तो ये हमारा अचार जो है वो बनके तैयार है खाने के लिए। तो आप इसे एक साफ़ सुथरे जार में रखें। अचार को आप कांच के बर्तन में रखें, उसे ये ज़्यादा समय तक सही रहता है, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखें। और जार को यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से गर्म पानी से धो लें और उसके बाद उसे धूप में सुखा लें। ध्यान रहे कि उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार में फंगस लग जाएगा। आप इस अचार को ऐसे सूती के कपड़े से ढक के और 2 से 3 दिन धूप में रख दें तो अचार और भी अच्छा बन जाएगा और ज़्यादा समय तक चलेगा। तो धूप में रखते वक्त ना इसमें धूल वगैरह नहीं पड़े, इसलिए आप ऐसे सूती के कपड़े से इसे ढक सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रख देती हूँ धूप में। मैंने इस अचार को 5 घंटे धूप में रखा था, आप कम से कम 2 से 3 दिन इसे धूप लगने दें अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आप इस अचार को ऐसे ही खा सकते हैं। तो ये हमारा अचार जो है वो बनके तैयार है। सर्व करने से पहले आप इसे एक बार ऐसे मिला दें ताकि मसाले जो है वो हर तरफ अच्छे से मिल जाए। तो ये हमारा मिक्स वेज सुपर टेस्टी अचार जो है वो बनके तैयार है, ये देखिए। तो अचार को बनाते वक्त 2-3 बातों का ध्यान रखें कि गोभी और जो सब्जी आप यूज़ कर रहे हैं उसे हल्का सा स्टीम करके और धूप में या पंखे के नीचे सुखा लें, उसके बाद ही मसाले मिलाएं। तेल को गर्म करके ठंडा करके डालें और अचार को अगर पॉसिबल है तो धूप में 2 दिन रख दें और सिरका का इस्तेमाल करना बिल्कुल न भूलें। तो ये हमारा मिक्स वेज अचार बन के तैयार है, ये आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है।
तो आप इस अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये मिक्स वेज पिकल आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस अचार को ऐसे बना के जार में रख के कम से कम एक साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। अगर अचार में मतलब सब्जी जो है ना उसमें अगर थोड़ा भी मॉइस्चर रहा तो ये अचार ख़राब हो जाएगी। इसलिए सब्जियों को अच्छे से सूखने दें, उसके बाद ही अचार बनाएं। तो आप इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।